नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा YouTube चैनल साउंड टेक पे, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डीजे और साउंड सिस्टम से रिलेटेड बातें। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है डीजे और साउंड सिस्टम से रिलेटेड बातें तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप लोग को टाइटल और थंबनेल देके पता चल चुका होगा, आज का टॉपिक जो है बेस्ट डीजे कंट्रोलर अंडर 20 के। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे पास है नुमा का मिस्टैक्स प्रो 3, जो कि काफ़ी बढ़िया डीजे कंट्रोलर है। और इन्हें इसको बाय करने का मेन रीज़न जो ये है गाइस, कि इसमें वो सारा फीचर्स मिलेगा आपको, की वगैरह मिलेगा जो कि मुझे एक कंट्रोलर में चाहिए। और ये रेंज में, जो ये प्राइस रेंज में, ये काफ़ी बढ़िया कंट्रोलर है, जिसका मैं थोड़ा सा ओवरलुक दे देता हूँ। तो गाइस बॉक्स कुछ इस तरीके से है, और इसका फ्रंट में ये सब कंट्रोलर का जो फोटो दिया गया है, और यहाँ पर लिखा गया है मिक्सटैक्स प्रो 3 और ऑल इन वन कंट्रोलर सॉल्यूशन फॉर सेरेटो डीजे। तो गाइस इसका खास बात ये भी है कि सेरेटो डीजे इसके साथ में आती है, जिसको आप ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ता है गाइस, उसका सॉफ्टवेयर। और इसका बैक साइड में थोड़ा देखेंगे क्या है, बैक साइड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है गाइस, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और एक फ़ोटो है जो कि कंट्रोलर का, साथ में यहाँ पर पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जो हम लोग को मिलेगा कुछ फीचर्स, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं, जो कि नुमा मिस्टैक्स प्रो 3। और यहाँ पर फीचर्स कुछ मैं आप लोग को बताने चाहूँगा फीचर्स के बारे में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल न्यू 5-inch हाई रेजुलेशन मेटल जॉग व्हील्स, जो कि हमारा ये जॉग व्हील्स है, जो कि 5-inch का मेटल जॉग व्हील्स है, जहाँ पे हम लोग को स्क्रैच वगैरह करने में काफ़ी सुविधा होगा गाइस। और उसी के तरीके से यहाँ पर डेडिकेटेड फिल्टर नॉब्स फॉर ईच चैनल, लाइक यहाँ पे आप दिखा गया है, जो कि डेडिकेटेड फिल्टर्स वगैरह है, जहाँ पे आप देख सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी का साथ में फिल्टर के साथ में दिया गया है नॉब वगैरह, और मल्टी फंक्शन टच स्ट्रिप फॉर डायनेमिक इफेक्ट्स कंट्रोल एंड ट्रैक सर्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 mm पिच स्लाइडर फॉर फाइन पिच एंड एडजस्टमेंट, 16 मल्टी फंक्शन परफॉर्मेंस पैड, जो कि हम लोग को यहाँ पर दिया गया है पैड जो है, यहीं से हम लोग सैंपल वगैरह भी जो कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 8 mm यहाँ पर 8 यानी कि दोनों चैनल मिला के 16 पैड दिया गया है, और साथ यहाँ पर माइक के लिए दिया गया है, हेडफोन के लिए यहाँ पर दिया गया है, जो बाद में मैं आप लोग को दिखाऊँगा। तो ऐसे कुछ यहाँ पे आपको डिटेल्स वगैरह मिलेगी, जो कि फीचर्स वगैरह मिलेगी, और बॉक्स में क्या क्या है ये सब आप यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पर इस सेरेटो डीजे इंट्रो वर्जन आपको प्राइम लूप्स के साथ में मिलेगी गाइस आपको। तो चलिए जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं इसको, और उसके बाद में देखते हैं इसका इंटरफेस वगैरह क्या कैसा है। तो गाइस इसको जल्दी से हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और उसके बाद में देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं गाइस, निकाल लेते हैं गाइस मेन बॉडी को। तो कुछ इस तरीके से है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाइस दिखने में, और इसको भी हम लोग थोड़ा अनपैक कर लेते हैं। काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाइस, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं नुमा का मिक्सटैक्स प्रो 3 कंट्रोलर। तो दोस्तों ये जो है मेन कंट्रोलर का बॉडी, जहाँ पे आप देख सकते हैं दो चैनल, यहाँ पर 1 चैनल, यहाँ पर 2, यानी कि ए और बी चैनल है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है 5-inch का मेटल जॉग व्हील, जहाँ से हम लोग स्केच वगैरह कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जो कि 100 mm का, 100 mm का जो पिच सिलेक्शन है, जहाँ से हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं। और साथ में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इफेक्ट सेक्शन, जो कि यहाँ पे आप
हर एक चैनल के लिए, दो चैनल के लिए अलग अलग दिया गया है। जैसे ये चैनल में आपको जितना सारे फंक्शंस देखने को मिलेगा वैसे ही इस चैनल में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी 5 इंच का मेटल जॉग व्हील है और यहाँ पर 100 mm का पिच है, जिसको हम लोग माइनस और प्लस करते जाएंगे, घटा भी सकेंगे और बढ़ा भी सकेंगे। तो इस पिच का ये है फंक्शन कि आप इसको इस तरफ करेंगे तो सॉन्ग जो है आपको स्लो बजेगा, और इस साइड में करेंगे तो सॉन्ग जो है फास्ट फॉरवर्ड में बजेगा गाइस। तो चलते हैं ये वाले चैनल नंबर 1 का जितना भी फंक्शन मैं आपको बताऊंगा वही चैनल नंबर 2 में भी है गाइस। तो बढ़ते इस चैनल से थोड़ा, तो जैसे कि मैंने बताया गाइस, जस्ट सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा 5 इंच मेटल डिस्प्ले, मेटल जॉग व्हील जो है, और साथ में यहाँ पर 100 mm का जो पिच सिलेक्शन है, और यहाँ पर हम लोग को देख सकते हैं पैड मोड, जो कि यहाँ से हम लोग पैड मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाले बटन से पैड मोड सेलेक्शन कर सकते हैं, और जो कि पैड वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि 8 पैड अवेलेबल है यहाँ पे। और थोड़ी आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो कि पिच के लिए माइनस और प्लस घटाने का और बढ़ाने का भी यहाँ पर थोड़ा सा बटन वगैरह दिया गया है, और यहाँ पर इफेक्ट सेक्शन में भी दिया गया है जो कि इफेक्ट 1, 2, 3 दिया गया है, और यहाँ पर बीट के लिए थोड़ा टैप करके हमारा यहाँ पर नॉब दिया गया है एक छोटा सा, और उसी के नीचे हम लोग देख सकते हैं व्हील, यानी कि हम लोग यहाँ ये जॉग व्हील के लिए स्क्रैचेस के लिए ये बटन यूज कर सकते हैं, और उसी के नीचे शिफ्ट दिया गया है गाइस। तीसरा, अगर हम लोग चैनल में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर शिफ्ट का ऑप्शन दिया गया है, उसी के नीचे हम लोग सॉन्ग को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम लोग को एक बटन दिया गया, और उसके नीचे क्यू बटन, और उसके नीचे शटर यानी कि प्ले और पॉज का बटन। गाइस थोड़ा इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर दिया गया है एक वॉल्यूम के लिए, पर्टिकुलर चैनल के लिए वॉल्यूम का फेडर दिया गया है, जिसके ऊपर नीचे करने से वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं, और हेडफोन में सुनने के लिए हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा हेडफोन का छोटा सा बटन दिया गया है, जिसको प्रेस करने से हम लोग ये चैनल को हेडफोन में भी सुन सकते हैं। ये चैनल में अगर सॉन्ग बज रहा है तो ये चैनल को हेडफोन में सुनने के लिए ये वाला बटन दिया गया है। और तो फिल्टर वाले नॉब का फंक्शन ये है गाइस, अगर हम लोग ये फिल्टर वाले नॉब को इस तरफ करेंगे तो लो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगा, और इस तरफ करेंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगा। तो काफ़ी बढ़िया फंक्शन है इस कंट्रोलर में, ये जो है काफ़ी बढ़िया डीजे के लिए, काफ़ी बढ़िया है डीजे के लिए। और साथ में उसके ऊपर देखेंगे तो बेस का नॉब दिया गया है, जहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम कर सकते हैं, और मिड फ्रिक्वेंसी के लिए, और साथ में हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि ट्रिबल के लिए दिया गया है। उसकी यहाँ पे साइड में देखेंगे तो लोड 1 डेक दिया गया है, जहाँ से हम लोग ये लोड कर सकते हैं सॉन्ग को, जिसको ब्राउज करने के लिए यहाँ एक बड़ा सा नॉब दिया गया है गाइस, जिसके कारण से हम लोग सॉन्ग को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर हम लोग को सॉन्ग फोल्डर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, और बीच में हम लोग प्रेस करेंगे तो उसको सिलेक्शन हो जाएगा। उसके ठीक नीचे देख सकते हैं मास्टर गेन, जो कि हमारा दोनों चैनल के लिए आप मास्टर गेन है, दोनों चैनल के लिए, ये वाले चैनल और ये वाले चैनल दोनों के लिए मास्टर गेन है, और इसके नीचे दिया गया है क्यू मिक्स, और उसके नीचे दिया गया है क्यू गेन, यानी कि हेडफोन के लिए गेन के ऑप्शंस भी दिया गया है यहाँ पे। और साथ में दूसरा नंबर चैनल को सेम दिया गया है गाइस, जो ये वाले चैनल में अवेलेबल है, सेम वही वाला अवेलेबल है दूसरे नंबर चैनल यानी कि डेक 2 में। और बात करते हैं ये जो ब्राउज वाले फीचर, अगर हम लोग सॉन्ग को सेलेक्ट करते हुए हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो सॉन्ग में सेलेक्ट करके ऐसे प्रेस करना होता है, और लोड 1 करेंगे तो ये वाले डेक में सॉन्ग सेलेक्ट होगा, और लोड 2 करेंगे तो ये वाले डेक में सॉन्ग सेलेक्ट होगा। तो गाइस इसका लैपटॉप को साथ में कनेक्ट करके देख लेते हैं कैसा ये लाइट वगैरह यहाँ पे आएगी, थोड़ा बहुत इसका कलर जो है चेंजेस होगा ये यहाँ लाइट होने से, तो इसको भी थोड़ा दिखाना चाहूँगा। दोस्तों इस कंट्रोलर के साथ में हम लोग को जैसे कि मिल रहा है सेरेटो डीजो का इंट्रो वर्जन, जो कि हम लोग को ऑनलाइन डाउनलोड का प्रोसेस यहां पर दिखाया गया है, और यहां पर कैसे होगा मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद में कनेक्ट करके दिखाऊंगा। और कनेक्टर हम लोग को इस कंट्रोलर के साथ में ये कनेक्टर आती है गाइस, और ये जो है हम लोग को ये जो USB वाला जो है साइड यहाँ पर लैपटॉप के साथ में कनेक्ट करनी होती है, और जो ये HDMI जैसा कॉर्ड जो है यहाँ पर हम लोग ये जो है यहाँ पर हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे कनेक्ट करके जो है USB हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो जैसे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो वैसे ही हमारा ये जो पूरा यहाँ पे डेक में जो कंट्रोलर के डेक में हम लोग का लाइट आ जाएगी गाइस, आप देखिए हमारा यहाँ पे जो लाइट वगैरह आ चुका है, और हम लोग कैसे काम करता है यहाँ पे उसके लिए हम लोग ये फेडर को चेक कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आप लोग को क्लोज से। दोस्तों हमारे यहाँ पर जो कि वर्चुअल डीजे 2020 हमारे यहाँ पर ओपन हो चुका है, और साथ में यहाँ पे हमारा लाइट आ चुका है कंट्रोलर में, आप देख सकते हैं, और हम लोग का यहाँ जो है फीडर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है हमारा, इसके साथ में वर्चुअल डीजे जो है
इसके साथ में हमारा कंट्रोलर कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, कैसे दिखाना है या आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम लोग को चेक करने के लिए पहले हम लोग को ये जो वाला जो है फेडर है इसको हम लोग इधर इधर करेंगे, ऐसे साइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो है इधर उधर हो रहा है, और साथ में हम लोग ये जो पिच सिलेक्शन जो है इसको और हम लोग अप डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये भी काम कर रहा है सही से। और साथ में हम लोग वॉल्यूम का अप एंड डाउन करेंगे, चैनल टू का वॉल्यूम नॉट सॉरी फेडर तो अप एंड डाउन हो रहा है, और चैनल वन का भी अप एंड डाउन हो रहा है गाइस, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सॉन्ग सिलेक्शन किया और उसके साथ में हम डेक वन में लोड किया गाइस, और यहाँ पे हम प्ले करेंगे तो यहाँ पे बजना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे साउंड प्ले हो रहा है गाइस, तो कॉपीराइट वजह से मैं यहाँ पे साउंड प्रॉपरली प्ले नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग दूसरा सॉन्ग भी हम लोग लोड करके दूसरे में भी प्ले करके हम लोग को अगर वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो आवाज़ आएगी। सो दोस्तों मेरा ये जो पूरा कंट्रोल हो चुका है, यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं और पूरा गाना आप एंजॉय कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया कंट्रोलर है जो कि 20K के अंडर में आता है। आप जॉगुल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको घुमा रहा हूँ। बस हम लोग का यहाँ पे डेकोन में प्ले करेंगे अभी छोटा सा एक सॉन्ग, तो फेडर हम लोग ऑफ करते जाएंगे। तो यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसी को हम लोग अगर बीट मैक्स करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए इसका बीटिंग अगर कुछ मैच नहीं है तो हम लोग दूसरा नंबर चैनल में भी हम लोग सॉन्ग प्ले करेंगे, उसके बाद में स्क्रीन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बीट मैक्स हो चुका है करेंगे, और ये जो वाले जो है हॉस्पिटल इसको हम लोग सही करेंगे। दोनों में सॉन्ग बज रहा है गाइस। तो गाइस इससे हम लोग का ये से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पर हमारा जो कंट्रोलर जो है हार्डवेयर है। तो गाइस इस वीडियो में आप लोग को ये कंट्रोलर का थोड़ा रिव्यू, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लाइव परफॉर्मेंस करते हुए आप लोग को दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, और साथ में बेल वाले आइकन को भी दबाना ना भूले गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस, मिलते हैं अगले ऐसे अच्छी वीडियो में गाइस।